हेलो ऑल, आज हम डिज़ाइन ऑफ सिंगली रेनफोर्स बीम पढ़ेंगे। हम लोग क्लास में पढ़ लिए थे कि सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होता है। तो सिंगली रेनफोर्स बीम और डबली रेनफोर्स बीम का क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ लिए थे, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। मान लो कि हमारा ये क्रॉस सेक्शन है बीम का, ये न्यूट्रल एक्सिस है, और न्यूट्रल एक्सिस हम जानते हैं कि हमारे बीम को दो जोन में डिवाइड करती है। एक टेंशन जोन होता है, एक कंप्रेशन जोन होता है। कंप्रेशन जोन ऊपर होता है, टेंशन जोन नीचे होता है, ठीक है। तो ऐसी बीम जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेंशन जोन में जो है वो बार प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं सिंगली रेनफोर्स बीम। ऐसी और ऐसी बीम जिसमें सिंगल टेंशन जोन में और कंप्रेशन जोन में दोनों में जो है वो बार प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं डबली रेनफोर्स बीम। अब पढ़ते हैं कि बेसिक रूल क्या होता है डिज़ाइन ऑफ बीम में। तो बेसिक रूल में पढ़ना क्या है कि हमारा इफेक्टिव स्पैन है, जो जो क्वांटिटी हमें डिज़ाइन प्रोसेस में डिज़ाइन प्रोसीजर में काम आने वाली है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली टॉपिक है इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन को फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग टाइप ऑफ बीम में, कौन कौन सी टाइप ऑफ बीम का क्वेश्चन आ सकता है एक एग्ज़ाम में डिज़ाइन करने के लिए। तो पहला होता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम। अभी मान लो कि ये जो है वो सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इसका सपोर्ट है, सपोर्ट वॉल के फॉर्म में या कॉलम के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो ये सीएसएस होता है क्लियर स्पैन। क्लियर स्पैन वो डिस्टेंस होती है जो वॉल के इनर फेस से दूसरे वॉल के इनर फेस तक की डिस्टेंस होती है, उसको बोलते हैं क्लियर स्पैन। और इफेक्टिव स्पैन क्या हो सकता है कि वॉल के सेंटर से, एक वॉल के सेंटर से दूसरे वॉल के सेंटर तक के दो डिस्टेंस होते हैं, उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो क्लियर स्पैन प्लस इफेक्टिव डेप्थ। अब इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ ये होता है कि टोटल डेप्थ में से हम लोग इफेक्टिव कवर अगर माइनस कर देते हैं तो बचा हुआ जो डेप्थ आता है वो इफेक्टिव डेप्थ आ जाता है। तो दो फॉर्मूला निकल करके आता है इफेक्टिव स्पैन के लिए। इफेक्टिव स्पैन किससे डिटरमाइन कर सकते हैं हम, एक होता है सी एस प्लस डी, मतलब जितना क्लियर स्पैन है और इफेक्टिव डेप्थ है इन दोनों का सम, और दूसरा क्या होता है सेंटर टू सेंटर की बीच की डिस्टेंस, उसको इन दोनों में से जो है वो उसमें जो लीस्ट है, जो कम है जो लीस्ट है उसको ले लेते हैं, वही हमारा होता है इफेक्टिव स्पैन। अब दूसरे में हम लोग पढ़ेंगे कैंटिलीवर बीम का कैसे इफेक्टिव स्पैन ज्ञात करते हैं, ठीक है, डिटरमाइन करते हैं। तो पहला है कि लेंथ ऑफ ओवरहैंग प्लस हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ। ओवरहैंग क्या होता है, ओवरहैंग वो पोर्शन होता है जो वॉल के बाहर निकला होता है, कैंटिलीवर बीम का पोर्शन, ठीक है, वो होता है लेंथ ऑफ ओवरहैंग। और ये कोई वॉल है, वॉल की थिकनेस अगर मान लो टी है तो उसका आधा, मतलब उसके आधा और ओवरहैंग लेंथ इन दोनों का सम के बराबर होता है इफेक्टिव स्पैन, या इसको दूसरे फॉर्म में ले सकते हैं लेंथ अप टू सेंटर ऑफ द सपोर्ट, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के जो सेंटर ऑफ द सपोर्ट है उसके ये डिस्टेंस कहलाती है इफेक्टिव स्पैन ऑफ द कैंटिलीवर बीम, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है, जब हम लोग टोटल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस कर देते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, इफेक्टिव कवर, ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से लेकर के जो बार पड़ा हुआ है टेंशन मेंबर के उसके सेंट्रॉइड तक की भी डिस्टेंस होती है हमारी डी, ठीक है। और फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं कंट्रोल डिफ्लेक्शन। कंट्रोल डिफ्लेक्शन में हम लोग डिज़ाइनिंग में हम लोग पढ़ेंगे कि एल बाई डी का जो रेशियो होता है उसी को बोलते हैं कंट्रोल डिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको दो फॉर्मूले से करते हैं कि अगर हमारा 10 मीटर तक की स्पैन है, चाहे सिंपली सपोर्टर का, कैंटिलीवर का या कंटिन्यूस बीम का, तो उसके लिए हमें डायरेक्ट आईएस कोड 456 में, आईएस कोड 456 और 2000 में डायरेक्ट हमें दे दिया गया है ये वैल्यू, एल वाई डी की वैल्यू, ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड के लिए एल वाई डी की वैल्यू जो है वो 20 है, कैंटिलीवर के लिए 7 है और कंटिन्यूस के लिए 26 है, ठीक है। अगर मान लो कि हमारा 10 मीटर से बड़ा है स्पैन, तो इसमें क्या करते हैं कि जितनी वैल्यू 10 मीटर के लिए, 10 मीटर के लिए पहले निकाल लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 अपॉन स्पैन। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें कि एग्जाम्पल के तौर पर हमारा स्पैन अगर 12 मीटर का है, तो 10 मीटर के लिए 20 हो गया, तो 12 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, 20 इंटू 10 अपॉन स्पैन। अब स्पैन कितना हो रहा है, 12, ये है मीटर में, ठीक है।
अब इसका जो रिजल्ट आएगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल डिफ्लेक्शन का एल बाई डी का रेशियो। ठीक है, थर्ड पॉइंट आता है वैल्यूज, वैल्यूज वैल्यूज फ्रॉम ए एंड बी आर मल्टीप्लाई बाय मॉडिफिकेशन फैक्टर के टी। के टी मॉडिफिकेशन फैक्टर कोई के टी है। अब के टी क्या है कि कोई मॉडिफिकेशन फैक्टर है, इस मॉडिफिकेशन फैक्टर को हम लोग कंट्रोल डिफ्लेक्शन में यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे डिजाइनिंग में हम लोग करेंगे कि एल बाई डी जो है हमारा, एल बाई डी है वो 20 है। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्रोवाइडेड। और मैक्सिमम अगर एल बाई डी का रेशियो निकालेंगे तो मैक्सिमम कितना होगा, 20 इंटू के टी। अब ये के टी की वैल्यू कहाँ से आएगी, के टी की वैल्यू आएगी, के टी कहाँ से मिलता है, के टी दो क्वांटिटी से मिलता है, एफ एस और पी टी। पी टी तो जानते होंगे परसेंटेज होता है स्टील, और पी टी को कैसे निकालते हैं, ए एस टी अपॉन बी डी। एफ एस क्या होता है, शेयर स्टील स्ट्रेस एंड सर्विस लोड। सर्विस लोड पे कितना स्ट्रेस प्रेजेंट हो रहा है या जनरेट हो रहा है स्टील में, वही होता है हमारा एफ एस। एफ एस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आई एस कोड में दे दिया गया, एफ एस इक्वल टू 0.58 एफ वाई, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड अपॉन एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड। इससे हमारा क्या हो जाएगा, एफ एस। अब एफ एस हमें पता चल गया और पी टी पता चल गया, अब दोनों में, अब दोनों हमें क्वांटिटी पता चल गया, अब उसे के टी कैसे निकालेंगे। अभी मान लो कि ये हमारा क्या कहते हैं, ये डायग्राम है, चैप्टर चार्ट नंबर 4 है। ठीक है, आई एस कोड में दिया रहता है। अब इससे एफ एस और पी टी निकालेंगे। अब भी पी टी की वैल्यू नीचे एक्स एक्सिस पे दी जाती है और के टी की वैल्यू वाई एक्सिस पे दी जाती है। और एफ एस जो ये है कर्व्स है तो उसको बोलते हैं एफ एस। एफ एस की वैल्यू 5 क्वांटिटी है। ठीक है, एफ एस इक्वल टू 120, एफ एस इक्वल टू 145, एफ एस इक्वल टू 190, एफ एस इक्वल टू 240, एफ एस इक्वल टू 290। ठीक है, अब मान लो कि हमें हमारा जो है वो एफ एस जो है हमारा जो एफ एस है हमारा, अगर मान लो कि 190 है और पी टी निकल करके आया है 1.2। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एफ एस जो है हमारा 190 है और पी टी है 1.2, तो 1.2 ये हो गया पीटी में। और हमको कहाँ देखना है, एफ एस इक्वल टू 190 वाला, तो एफ एस इक्वल टू 190 वाला ये हो गया पॉइंट। और किस पे देखना है, 190 पे, 1.2 पे, तो ये 190 हुआ और ये वाली लाइन जो नीचे जा रही है उसको बोलते हैं 1.2। अब ये कहाँ होगा, ये जा रहा है यहाँ पे आ रहा है। अब ये पॉइंट क्या हुआ, 0 से 0.4 हुआ, ये इसका आधा है, तो इसका मतलब 0.2 हुआ, 0.4, फिर 0.6, 0.8, फिर 1 और फिर 1.2। तो अब 1 से और 1.2 के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले, एक पॉइंट आ रहा है, तो इसको मान लेते हैं हम लोग अप्रॉक्सीमेट 1.1 ले लेते हैं। तो के टी की वैल्यू ऐसे निकालनी है। अगर दो इंटरवल के बीच में हमारा के टी एफ एस की वैल्यू आ रही है, जैसे एफ एस की वैल्यू 230 आ गया और पी टी की वैल्यू है 1.2। अब 230 के लिए तो वैल्यू दी नहीं है ये, तो 230 के लिए मैक्सिमम और मिनिमम निकाल लेते हैं। अब कैसे निकालेंगे, जैसे एफ एस की वैल्यू अगर 230 है, एफ एस की वैल्यू 230 है और पी टी की वैल्यू 1.2 है, तो यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, एफ एस की वैल्यू 230 है और पी टी की वैल्यू 1.2 है, तो एफ एस 190 के लिए दिया गया, एफ एस 240 के लिए दिया गया, 230 के लिए नहीं दिया गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, एफ एस इक्वल टू 190 के लिए, एफ एस इक्वल टू 190 के लिए हम लोग अभी निकाले तो 1.1 होता है, और एफ एस इक्वल टू 240 के लिए अब 1.2 अगर पी टी है तो यहाँ पर आ गया, तो इसका मतलब 1। तो एफ एस इक्वल टू 240 हुआ तो के टी की वैल्यू 1, एफ एस इक्वल टू 190 हुआ तो 1.1। हमारा एफ एस है 230 इन दोनों के बीच में लाई होगा, तो इंटरपोलेशन या अंतर्वेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन वाला फॉर्मूला लगा करके एफ एस इक्वल टू 230 पे हमारा वैल्यू निकाल लेना है के टी की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हमारा रीइन्फोर्समेंट निकालना, रीइन्फोर्समेंट ए एस टी अपॉन बी डी वाला निकालना। तो उसमें कुछ मिनिमम रीइन्फोर्समेंट कोड के अकॉर्डिंग दी गई है कि इतना मिनिमम रीइन्फोर्समेंट होना चाहिए किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में, तो कितना होना चाहिए, ए एस अपॉन बी डी इक्वल टू 0.85 अपॉन एफ वाई, वेयर ए एस इक्वल टू एरिया ऑफ टेंशन स्टील इन मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर इसकी क्वांटिटी होगी और कितना टेंशन स्टील है वो ए एस कहलाएगा। बी हमको पता है, बी हमको विथ है मिलीमीटर में, डी स्मॉल डी क्या है कि इफेक्टिव डेप्थ है मिलीमीटर में, एफ वाई क्या है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ इनफोर्स इन न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम होता है
shall not be shall not exceed 0.04 BD. इतने से ज़्यादा हमें AST नहीं देना है, मतलब AST प्रोवाइड नहीं करना है किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर में. B क्या है कि इफेक्टिव विथ है, और कैपिटल D क्या है हमारा टोटल डेप्थ है. ठीक है, अब हम लोग स्पेसिंग में आते हैं. स्पेसिंग कैसे करना है कि स्पेसिंग में दो होता है कि एक मेन बार होता है एक ट्रांसवर्स बार होता है. तो मेन बार के लिए दो पैरेलल मेन बार के लिए डिस्टेंस कैसे निकलती है, डायमीटर ऑफ द बार इफ द सेम बार इज यूज. अगर पूरे इस मेंबर में एक ही तरीके से बार यूज हो रही है तो उसका डायमीटर, या अगर दो तरीके की बार यूज हो रही है डायमीटर अनइक्वल है तो जो बड़े डायमीटर होगा बड़े बार का डायमीटर होगा वो, या 5 mm मोर देन नॉर्मल मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, मतलब कोर्स एग्रीगेट को साइज को 5 mm बढ़ा लेंगे. अब इन तीनों में से जो ग्रेटेस्ट होगा, मतलब ग्रेटेस्ट क्वांटिटी होगी वही हम लोग ले लेंगे स्पेसिंग ऑफ द मेन बार. ठीक है, अब जैसे रोज में ट्रांसवर्स रोज में हम लोग को बात करनी है तो उसके डिस्टेंस स्पेसिंग कैसे निकलेगी, 15 mm 2.3 इंटू मैक्सिमम साइज ऑफ द कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का 2/3 ले लेंगे या मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द बार. सेम वैसे ही यहाँ भी चलेगा कि अगर बार एक जैसी है तो वही ले लेंगे, अगर बार अनइक्वल है जैसे वो 16 mm की या 20 mm की तो 20 mm ले लेंगे, बड़ी बार को ले लेंगे. ठीक है, इन तीनों में से जो ग्रेटेस्ट होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिंग हो जाएगा. ठीक है, नॉमिनल कवर अब भी देखना है. नॉमिनल कवर वो होता है भाई, हमारा क्या होता है, पहले तो एक वो करते हैं कि कवर क्यों दिया जाता है. कवर हमें प्रोटेक्शन की वजह से दिया जाता है. प्रोटेक्शन क्या होता है भाई, जैसे हमारा क्या होता है कि यहाँ पे बार जो है वो बाहर दिख रही है, यहाँ पे अगर दिख रही होगी तो यहाँ पे क्या होता है, इन्वायरमेंट से टच में होगी तो इन्वायरमेंट का पूरा कंडीशन इसके ऊपर होगा. जैसे रस्टिंग शुरू हो जाएगी और इसका डिटोरेशन होने लगता है, इसको धीरे धीरे ख़राब होने लगती है बार को, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ घटने लगती है. तो ये है कि एम्बेडेड होना चाहिए, इसके अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं दिखनी चाहिए वरना रस्टिंग शुरू हो जाएगी. दूसरा क्या होता है, फायर रेजिस्टेंस हो जाता है. ये अंदर रहेगा तो इसके ऊपर फायर एक्ट नहीं कर सकती है. ठीक है, और दूसरा तीसरा क्या हो सकता है कि तीसरा हमारा क्या होता है कि अगर बार यहाँ आया तो इसका मतलब ये बाहर दिख रहा है तो यहाँ पे कंक्रीट जो है वो कवर की तरीके से यूज़ नहीं है, तो इसका मतलब कंक्रीट और बार में जो है वो सही से बाउंडेज नहीं है. ठीक है, तो ये तो हुआ कि कवर क्यों दिया जाता है. नॉमिनल कवर क्या होता है, डेप्थ ऑफ कंक्रीट टू ऑल स्टील, मतलब अगर ये बीम है, ब्रीम का क्रॉस सेक्शन है, तो अगर मान लो कि ये दोनों मेन बार है और ये जो है जो रेक्टेंगुलर पोर्शन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है वो स्ट्रक्स है, तो आउटर मोस्ट फाइबर से और स्ट्रक्स के डायमीटर तक की जो डिस्टेंस होती है उसको बोलते हैं नॉमिनल कवर. ठीक है, माइल्ड कंडीशन में नॉर्मल कवर, माइल्ड कंडीशन और मॉडरेट कंडीशन क्या है कि एनवायरनमेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा कवर कितना है. तो अगर माइल्ड कंडीशन है तो 20 mm, मॉडरेट कंडीशन है तो 30 mm, अप टू 50 mm तक ले सकते हैं. ठीक है, कर्टेलमेंट और टेंशन रीइंफोर्समेंट क्या होता है कि कर्टेलमेंट का सीधा सीधा फंडा ये है कि कर्टेलमेंट का मतलब होता है कि काट देना, मतलब टेंशन रीइंफोर्समेंट या मेन बार को काट देना. और काटते क्यों है कि भाई जब हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है तो हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम हमारा WL²/8 है वो भी सेंटर पे, और जैसे जैसे हम लोग सपोर्ट की तरफ मूव करते हैं तो वैसे वैसे हमारा क्या होता है कि ये जो है वो घटने लगता है बेंडिंग मोमेंट. और सेम वैसे ही क्या होता है कैंटिलीवर में होता है कि जो हमारा फ्री एंड है वहाँ पे 0 होता है, और जैसे जैसे सपोर्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है कि बेंडिंग मोमेंट इनक्रीज होने लगता है. तो हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ हमें बेंडिंग मोमेंट नहीं रजिस्ट करना है वहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन बार को काट देंगे. तो मेन बार को कैंटिलीवर में क्या हो जाएगा, 50%, अब दोनों में क्या होता है 50-50% दोनों में 50-50% काट दिया जाता है. तो जैसे अगर ये एग्जांपल के तौर पे ले लिया, और ये जो है वो हमारा क्या हो है, एक कैंटिलीवर बीम है, ये ओवरहंग लेंथ है और ये सपोर्ट है. ठीक है, ये वॉल है. ठीक है, अब हम लोग इफेक्टिव स्पैन तो जानते हैं कि यहाँ से लेकर के इसके सेंटर और सपोर्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, एल होती है. ठीक है, अब इसमें यहाँ से स्टार्ट होता है मेन बार और यहाँ तक के जाता है मेन बार, लेकिन हम लोग को क्या करना है, क्या है कि हम लोग L/2 या LD, मतलब
एल बाई टू ही पे जनरली काटते हैं। वैसे थ्योरेटिकली क्या होता है, बुक बुक में दिया जाता है कि 0.5 L या एल डी। एल डी क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट इन दोनों में से जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको यहाँ से लेकर के काट दिया जाएगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, 0.5 L, मतलब इसका 0.5 L पे डिस्टेंस काट दिया जाता है, मतलब ये बार को काट दिया था। अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक के पूरा लेंथ आ रहा था, यहाँ से यहाँ तक की आया आधा, तो मतलब आधा इतना रह गया, तो आधा बचा, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा AST था, यहाँ काटा गया, तो इसका मतलब यह है 0.5 AST बचा। वैसे सिंपली सपोर्टेड में भी ये 50% जो है, वैसे सिंपली सपोर्टेड में भी है, कैसे है कि 50% जो है वो इंक्रीज कर दिया जाता है, काट दिया जाता है दोनों तरफ। कितने डिस्टेंस पे, 0.08 L पे, मतलब सपोर्ट के फेस से लेकर के, फ्रॉम द फेस ऑफ द सपोर्ट से लेकर के 0.08 L। L क्या है कि L क्या है हमारा इफेक्टिव स्पैन, सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस वो होती है हमारा L। तो ये बार है, ये मेन बार है, एक के पीछे एक रखा हुआ है, लेकिन समझाने के लिए इसके ऊपर दिखा दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी की सारी बार प्रेजेंट है, तो ये AST हो जाएगा। 50% हमें इधर काटना है, 50% इधर काटना है। 50% काटने के बाद में ये कितनी बची, 50%, ये बची 50%। कितने डिस्टेंस पे काटना है फेस ऑफ द सपोर्ट से, 0.08 L। ठीक है, होप कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा इतना कि क्या है। थोड़ा जल्दी है तो इस थोड़ा जल्दी जल्दी बोला है, तो इसलिए वीडियो जो है वो थोड़ा स्लो करके देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसके बारे में पढ़ेंगे, कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं टाइप 1 और टाइप 2, और दोनों के बाद में फिर एक एक एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है।